बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की अंतिम विदाई की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का निधन होने से राजनीतिक जगत में शोक की लहर छा गई है। मंत्री मेघवाल ने कल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। वहीं मेघवाल के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम अशोक गहलोत समेत सभी बड़े नेताओं ने शोक जताया है। वहीं मेघवाल के असामयिक निधन के चलते आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। ऐसे में आज दिवंगत आत्मा के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा, साथ ही सभी कार्यालयों में अवकाश घोषित किया गया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व ही मंत्री मेघवाल की बेटी बनारसी मेघवाल का भी निधन हुआ था। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे सुजानगढ़ संवाददाता अजय स्वामी। अजय, क्या कुछ अपडेट है? जी, मास्टर मेघवाल की जो अंतिम यात्रा है वो 2 किलोमीटर की दूरी तय करके चापटे स्थित शमशान घाट पहुंचे हैं, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और तमाम जो दिग्गज नेता है वो उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की अपनी, और अब मातृ धुन के साथ उनकी चिता को उनके पुत्र मुखाग्नि देंगे। जी, कौन कौन लोग वहाँ मौजूद हैं? मंत्री भी वहाँ पहुंचे काफी संख्या में। जी, चूरू सांसद राहुल कसवा, सादरपुर विधायक कृष्णा पूनिया सहित कई आला अधिकारी, राजेंद्र राठौड़ और कई आला अधिकारी, जिला कलेक्टर, एसपी परेश देशमुख सहित तमाम नेता जो है यहाँ मौजूद है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सुजानगढ़ संवाददाता अजय स्वामी, जिन्होंने बताया कि मुखाग्नि कुछ देर में दी जाएगी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, राजकीय सम्मान के साथ मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल को अंतिम विदाई दी जा रही है। शमशान घाट अंतिम यात्रा पहुंच चुकी है, प्रदेश के कई आला नेता सुजानगढ़ पहुंचे हैं, कलेक्टर एसपी भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अब से कुछ ही देर में मुखाग्नि दी जाएगी। अब से कुछ ही देर में मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की पार्थिव देह को मुखाग्नि दी जाएगी उनके पुत्र के द्वारा, पंच तत्व में विलीन, राजकीय सम्मान के साथ मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल।